पनामा पेपर्स के बाद काले धन को लेकर अब पैराडाइज पेपर्स में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। पैराडाइज पेपर्स में 1,34,00,000 दस्तावेज शामिल हैं, जिनमें दुनिया के कई अमीर और शक्तिशाली लोगों के गुप्त निवेश की जानकारी दी गई है। इन नामचीन हस्तियों में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई मंत्रियों, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के मुख्य फंडरेजर के अलावा मोदी सरकार में मौजूदा विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और बीजेपी के राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा सहित 714 भारतीयों के नाम शामिल है। वहीं जयंत सिन्हा ने सफाई देते हुए कहा है कि सितंबर 2009 में वह ओमिद्यार नेटवर्क से बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर जुड़े थे। वह दिसंबर 2013 तक ओमिद्यार नेटवर्क की तरफ से शामिल रहे, जिसके बाद जनवरी 2014 से नवंबर 2014 तक हुआ डिलाइट के स्वतंत्र निदेशक रहे। उन्होंने कहा कि मंत्री बनने से पहले उन्होंने यह कंपनी छोड़ दी थी और इससे मिली फीस व डिलाइट के शेयर पहले ही सार्वजनिक कर रखे हैं। पैराडाइज पेपर्स में उन विदेशी फर्मों और फर्जी कंपनियों के बारे में बताया गया है जो इन हस्तियों के पैसे विदेशों में भेजने में उनकी मदद करते हैं। ये दस्तावेज एक जर्मन अखबार ने टैक्स हैवन देशों के नाम से जाने जाने वाले 19 देशों से हासिल किए हैं और दुनिया भर के 90 मीडिया संस्थानों के साथ मिलकर खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम ने इनकी जांच की। इस कंसोर्टियम में शामिल अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पैराडाइज पेपर्स में 180 देशों के लोगों की जानकारियां मिली हैं। इसमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज सहित दुनिया के 120 नेताओं के नाम भी हैं। अखबार के मुताबिक यह बस शुरुआती खुलासा है और अभी ऐसे 40 से ज्यादा बड़े खुलासे और किए जाएंगे। पैराडाइज पेपर्स ने 18 महीने पहले आए पनामा पेपर्स की याद एक बार फिर से ताजा कर दी है, जिसने दुनिया भर में काफी हलचल मचाई थी। पनामा पेपर्स में नाम आने के कारण पाकिस्तान में नवाज शरीफ सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपने पद से हाथ धोना पड़ गया था।